नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू, मॉडल मेकर्स नोएडा इंडिया से। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक कैसे एक हम पेड़ पेड़ को एक जगह से रीप्लांट करने वाली क्रेन को बना सकते हैं, या उसे कैसे चला सकते हैं, या इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इसे बनाना बहुत आसान है। आसान है अगर आप पहले से मॉडल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, बट अगर आप पहली बार किसी चीज़ को बना रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। आपको किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस चाहिए हो, किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मेरे को शॉर्ट में कॉल करके जल्दी से इसको पूछ सकते हैं कि मैंने क्या मटेरियल यूज़ किया या कितने। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने ml का इंजेक्शन है। ज़रा देखो ध्रुव, 20 ml इंजेक्शंस मैंने यहाँ यूज़ किए, बड़े वाले। यहाँ पे मैंने छोटे इंजेक्शंस यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने 20 और 20 ml यूज़ किया है। लेकिन आप फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे इंजेक्शंस आई थिंक दीज आर 6 ml, ध्रुव इट इज़ 6 ml। छोटे इंजेक्शन हमारे 6 ml के हैं फ्रेंड्स, आप बड़े वाले इंजेक्शन हमारे 20 ml के हैं। आप चाहो तो 20-20 की पूरी क्रेन बना सकते हो, लेकिन आपको रिकमेंड करते हैं कि आप पीछे की तरफ में आप हमेशा 20 ml यूज़ करो, और आगे की तरफ में इनकी जगह इन तीनों की जगह और इसकी जगह आप छोटे इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। पर आप बहुत छोटे इंजेक्शन यूज़ नहीं करिएगा, उसमें से पानी लीक हो जाता है। ये वाला जो इंजेक्शन है आपको हमेशा 20 ml ही करना चाहिए। कभी भी इसमें ऑयल फिल मत करो, ऑयल फिल करने से परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, क्रेन के रबड़ ख़राब हो जाएंगे। हाइड्रोलिक के जो इंजेक्शन के आपके रबड़स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, आप कभी भी इसमें ऑयल को यूज़ मत करो। प्रोफेशनल क्रेन्स में ऑयल होता है, आप इसमें ऑयल यूज़ मत करना, इसमें पानी या हवा का यूज़ करो ओनली। और ये जो ट्यूब्स हैं ये जनरली मार्केट में मिल जाती हैं, जिससे हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं पेशेंट को। ये ग्लूकोज चढ़ाने वाली जो ट्यूब्स होती हैं वो ईज़िली हमारे को मिल जाती हैं किसी भी केमिस्ट शॉप पर। हमेशा नई ट्यूब लेनी चाहिए, पुरानी ट्यूब आपको नहीं लेनी चाहिए, उससे आपको बीमारी लगने का भी खतरा रहता है, और इससे आपको पुरानी ट्यूबें वर्क भी नहीं करती हैं, उसमें ब्लड जमा होता है। तो आप पुरानी ट्यूबें मत उठाइएगा हॉस्पिटल से, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो आप न्यू ट्यूब्स परचेज़ करिए। अच्छा, आप दोस्तों ये कैसे वर्क करती है, आप फटाफट ध्रुव इसको दिखाओ। मैं आपको वो बॉल उठाकर दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी प्लीज़ फास्ट। अभी ध्रुव ने इसको रिलीज़ किया। अब मैं इसको नीचे लाऊंगा, क्लोज करो, सी वाले सेक्शन को क्लोज करो। हाँ ठीक है, गुड। अब इसको ए सेक्शन को से ऊपर करो। अब मैं ये लॉक लगा दूंगा इसको। ये लॉक लगाना फ्रेंड जरूरी है, नहीं तो ग्रेविटी से नीचे भाग जाती है फ्रेंड। प्लीज फास्ट। ये बॉल अपनी जगह पर आ गई। इसने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे बॉल को डाल दिया ध्रुव ने। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइप की क्रेन्स बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें बाई चांस ये वाला सेक्शन हमें कहीं से मिल गया मेडिकल शॉप से, आपको ऐसा सेक्शन नहीं भी मिलता तो आप किसी बॉटल का आगे का नेक यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या इस तरह की आप क्रेन्स बनवाना चाहते हैं आपको, या किसी तरह की छोटी मोटी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को 9818479606 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9818479606, दूसरा मोबाइल नंबर 9250950118। सो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर मेरी रिप्लाई नहीं आती है आपको क्विकली तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है सेक्टर 12 नोएडा इंडिया। आउट ऑफ इंडिया जो इफ़ यू आर आउट ऑफ इंडिया व्यूअर देन यू कैन ऑल्सो कॉल मी। वी आर प्रेजेंटली वर्किंग इन UAE, US, कनाडा एंड वी आर सप्लाइंग द मॉडल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। एनीथिंग एल्स? तुमने इसको रिलीज़ करके दिखाया था। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और शो कर देता हूँ। ध्रुव आपने इसको भी रिलीज़ करके दिखाओ, ये इन 3 इंजेक्शंस का क्या यूज़ है। दिस इज़ जनरली फ्रेंड्स इसको जब आप पेड़ उखाड़ने की मशीन बनाओगे तो आप इन तीनों इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हो। ये जो मैंने 3 इंजेक्शंस का आपको अभी यूज़ नहीं दिखाया था बाय मिस्टेक, मैं आपको इनका भी समझा देता हूँ।
डोंट नीड टू पिक द बॉल, वी आर ओनली शोइंग, ओके। बस आप इस मेरे को तीन इंजेक्शंस का फटाफट फंक्शन समझाओ। ये जो तीन इंजेक्शन है ये इन तीनों से कनेक्टेड है, इनको ऊपर नीचे करने के लिए है। आप एक को करके दिखाओ मेरे को जल्दी से, जैसे नीचे आ गया। आप इसको ऊपर करो, इसको भी ऊपर करो, आप इस वाले को देखो किससे होएगा। आप फ्रेंड्स इसको मार्किंग कर सकते हैं, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। आप इसकी असेंबली ध्यान से देख लीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड वीडियोज़, थैंक यू।